सरकार द्वारा आयुष और आयुर्वेद के डॉक्टरों को 70 में से 58 तरह की सर्जरी करने की अनुमति दिए जाने के फैसले के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विरोध में उतर आई है। विरोध के चलते शुक्रवार को पूरा दिन ओपीडी सेवाएं बंद रही, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को बिल्कुल भी बाधित नहीं होने दिया गया। विरोध स्वरूप आईएमए के पदाधिकारी करनाल के जिला सचिवालय में एसडीएम करनाल के माध्यम से सरकार को अपना एक ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो ये कानून बनाया गया है वह उनकी कमजोरी दिखा रहा है। सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहती है तो वह बिल्कुल दे, वह उससे बिल्कुल भी परेशान नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में जिन डॉक्टरों को सर्जरी की जिम्मेदारी दी जा रही है वह तर्कसंगत नहीं है। आयुष अथवा आयुर्वेद का डॉक्टर कैसे और किन परिस्थितियों में किसी भी मरीज की सर्जरी कर सकता है वह सोचने योग्य बात है। मौजूदा समय में डॉक्टरों की कमी है और मेडिकल कॉलेजों की भी कमी है, ऐसे में प्रशिक्षित डॉक्टर कम आ रहे हैं। अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है जो न्यायोचित नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध करती है, चेताते हुए कहा कि जब तक सरकार अपना निर्णय संशोधित नहीं करती उनका विरोध बरकरार रहेगा। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। ये जो जो मेमोरेंडम है ये हम इसको डीसी साहब के माध्यम से आगे सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे और इनके जो भी कंसर्न्स हैं वो सरकार तक पहुंचे और उस पर फिर सरकार उचित डिसीजन लेगी। थैंक यू। आज सभी डॉक्टर्स ने मिलकर जो एक मेमोरेंडम दिया है और सभी डॉक्टर्स क्यों स्ट्राइक पर है, क्या कहना चाहेंगे इसको? सर देखिए, ऐसा है कि हमने 2-3 दिन पहले भी एडीसी मैम को एक ज्ञापन दिया था इसी कंसर्न में। मैं थोड़ा सा इसको एक बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में इलाज की 3-4 पद्धतियाँ हैं बहुत टाइम से। सबसे पहले तो यूनानी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी थी। जब अंग्रेज हमारे कंट्री में आए, उन्होंने राज किया, तो वो मॉडर्न मेडिसिन जिसको एलोपैथी कहते हैं वो हमारे कंट्री में लेके आए, और ग्रेजुअली मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी ने बाकी सब पैथीज के से काफ़ी आगे तरक्की कर ली। उसके कई कारण थे। एक तो अंग्रेज़ों ने शुरू में उनको काफ़ी इनक्रेजमेंट दी, उसको काफ़ी डेवलप किया, नंबर वन। नंबर टू, इस पैथी में सब कुछ एविडेंस बेस्ड है। एविडेंस बेस्ड का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अनुसंधान, रिसर्च और एविडेंस वो सारा एलोपैथी में है। एलोपैथी एक ऐसी पैथी है जो एविडेंस पे काम करती है, किसी चीज़ का सबूत है, अनुसंधान में वो चीज़ प्रूव करी गई है तो एलोपैथी उसको बिलीव करती है और उसी पे चलती है। और एलोपैथी में वर्ल्ड वाइड बहुत रिसर्च कंटिन्यूसली चलती है, कभी भी वो रुकती नहीं है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में अनुसंधान को, रिसर्च को बहुत बजट एलोकेशन है, बहुत लोग डेडिकेटेडली रिसर्च में काम करते हैं, इसलिए एलोपैथी ने बाकी पैथीज़ को पीछे छोड़ दिया, रीज़न यही है। बाकी जो आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है और यूनानी मेडिसिन के जो पद्धतियाँ हैं वो ख़राब नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है। उनमें कमी है तो अनुसंधान की है, बजट एलोकेशन की है, डेडिकेटेड रिसर्च वर्कर्स की है और सरकार की तरफ से प्रोत्साहन की कमी है। हम ये कहते हैं कि सरकार आयुर्वेदिक डॉक्टरों को प्रोत्साहन दे, आयुर्वेदा को प्रोत्साहन दे, उसमें इनक्रेज करे कि और रिसर्च की जाए, उनमें इतना कुछ छुपा हुआ है उसको बाहर लाने की कोशिश करे, लोगों को खूब बजट दे और उनको इनक्रेज करे कि इसमें रिसर्च करो। एलोपैथी में बहुत कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे इन्फेक्शंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो आयुर्वेदा में नहीं है, और एक्यूट एलिमेंट्स में, सर्जरी में, हेड इंजरीज में, इस तरह की जो एक्यूट एलिमेंट्स हैं उसमें आयुर्वेदा और एलोपैथी कहीं मैच नहीं करते, एलोपैथी इज़ फार हेड। इसी तरह कुछ क्रोनिक एलिमेंट्स होंगी जिनमें आयुर्वेदा बेटर भी कर सकता है, पर इशू ये है कि क्या हमने आयुर्वेदा को डिवेलप किया, नहीं किया। अब जब हमें लगा कि देश में हमें सरकार की परसेप्शन है कि हमारे पास डॉक्टर कम है, सरकार के पास डॉक्टर कम है तो मेडिकल कॉलेज हम और खोल नहीं पा रहे, हमारे पास बजट नहीं है, या बड़े बड़े जो प्राइवेट कॉलेज हैं पॉलिटिशियनों ने काबू किए हुए हैं, साउथ में चले जाओ सब पॉलिटिशियनों के कॉलेज हैं, वो सब बिजनेस के हिसाब से चलते हैं। सरकार उन कॉलेजेस को टेक ओवर करे या अपने सरकारी कॉलेज खोले और MBBS की पढ़ाई को आगे प्रोत्साहन दे और डॉक्टरों को बनाए और जो पेशेंट डॉक्टर की रेशियो कम उनको लगती है उसको इम्प्रूव करे, और ये विरोध जारी रहेगा। इम्प्रूव करने के लिए ये थोड़ी है कि
जो डॉक्टर्स उसमें ट्रेंड नहीं है उनको जबरदस्ती वो सर्जरी उनको हैंडओवर कर दो जो सर्जरी के लिए वो ट्रेंड नहीं है। नीमा के अधिकारियों का कहना है, नीमा के अधिकारियों का ये कहना है कि आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं वो देहात तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए सरकार ने आयुष के डॉक्टर को परमिशन दी है सर्जरी की ताकि उनको बेहतर विकल्प मिल सके, बेहतर इलाज मिल सके। ठीक है, मेरा कहना ये है उसके लिए जिस चीज के लिए वो ट्रेंड नहीं है, अगर हमारे पास किसी चीज के लिए कोई ट्रेंड या डॉक्टर उसके लिए पढ़ाई नहीं उसने की हुई है, ट्रेंड नहीं है, वो सर्जरी हम उसको हैंडओवर करेंगे, इसका मतलब जो गांव में आदमी रहता है उसकी हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सिर्फ एक दिखावे का ट्रीटमेंट चाहिए, उसको आप और कॉलेजेस खोलिए, वहाँ डॉक्टर्स क्रिएट कीजिए। आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, फर्स्ट एड बहुत अच्छी दे सकते हैं, कुछ आयुर्वेदा में भी एक सर्जरी का अलग डिपार्टमेंट है, कुछ सर्जरीज आयुर्वेदिक वाले करते हैं, ऑलरेडी करते हैं, उसको डेवलप कीजिए, और आज की डेट में भी वो लोग करते हैं उसको और डेवलप कीजिए। और आजकल गांव बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है, हमारी स्टेट में देख लो बहुत अच्छी रोड्स हैं, हर एक गांव अच्छी तरह शहरों से कनेक्टेड है, पर अगर गांव में रहने वाले लोगों की भी तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं कहते नीमा वाले अच्छे डॉक्टर नहीं है, वो मेहनत नहीं करते, हम नहीं कहते, आयुर्वेदा भी बहुत अच्छी साइंस है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मेहनत करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पर उनको वही काम करने की इजाजत दी जाए जो वो काम करने में सक्षम है, जिसके लिए पढ़ाई की हुई है, ट्रेनिंग की हुई है। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इससे पहले अभी आईएमए करनाल यूनिट के डॉक्टर यहां पर मैंने जिला सचिवालय में पहुंचे हैं अपना ज्ञापन देने के लिए, इससे पहले नीमा के कई पदाधिकारी भी नीमा के डॉक्टर भी अपना ज्ञापन देने के लिए यहां पर आ चुके थे कि एक तरफ सरकार, एक तरफ जहाँ किसान सड़कों पर है वहाँ करनाल या पूरे देश में अब डॉक्टर्स को भी सड़कों पर आना पड़ गया, एक ग्रुप जो है नीमा सरकार के उस कानून को अपनी उपलब्धि मानती है, तो वहीं यह आईएमए करनाल यूनिट का कहना है कि सरकार द्वारा यह कानून का वह विरोध करते हैं, उनका विरोध आगे भी जारी रहेगा। मैं बात करने का प्रयास करूंगा, एक और डॉक्टर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है करनाल के विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गगन कौशल, मैं इनसे बात करूंगा। सर, जो सरकार द्वारा कानून बनाया गया है बीएमएस डॉक्टर्स को, आयुष के डॉक्टरों को 70 में से 58 सर्जरीज की परमिशन दे दी गई है, इस कानून का विरोध करते हैं, इसका पीछे क्या तर्क है, क्या कारण रहे? देखिए, तर्क सिंपल सा है कि जो सर्जरीज हैं, स्पेशली जितनी भी ये सर्जरीज हैं, जो भी नाम उनके दिए गए हैं, वो सारे के सारे नाम हमारी मॉडर्न मेडिसिन से हैं। आयुष में बरसों से, पुराने ज़माने से कुछ सर्जरीज होती आई हैं, बिल्कुल कैटरेक्ट सर्जरी होती है, कुछ और सर्जरीज, पाइल्स की सर्जरी, भगंदर की सर्जरी, वो सब होती हैं और शायद आज भी हो रही हैं, उसमें हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ऐसी सी सर्जरीज जो मॉडर्न मेडिसिन की सर्जरीज हैं, वो भी अब उसमें शामिल कर ली गई हैं। दूसरा, क्या उनकी ट्रेनिंग इस प्रकार से हो भी पाएगी कि नहीं? वो उन्होंने कहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट जो बीएमएस जो शल्य शास्त्र के हैं उनको हम अलाउ करेंगे ये सर्जरीज, वो बिल्कुल ठीक है, शायद उनकी उस हिसाब से ट्रेनिंग हो, तो लेकिन क्या वो तरीके आयुर्वेदिक तरीके से होंगे या मॉडर्न मेडिसिन को कॉपी करके आप कर रहे हो? अगर आप मॉडर्न मेडिसिन को कॉपी कर रहे हो तो फिर आप बाय नॉट डू MBBS एंड MS, आप उस शॉर्टकट से क्यों जा रहे हो? दूसरा, अगर वो उसके अंदर किसी भी सर्जरी में इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा एक ज़रूरी चीज़ है, तो क्या वो इन्फेक्शन के लिए अपनी आयुर्वेदिक कोई एंटीबायोटिक्स देंगे, जो मेरे हिसाब से कोई उनके पास है नहीं, या हमारी एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे? क्या पेशेंट को बेहोश करने के लिए वो एनेस्थीसिया कौन सा देंगे? क्या उनके पास आयुर्वेदिक एनेस्थीसिया है? नहीं है, तो वो हमारी ही मेडिसिन यूज़ करने वाले हैं। अगर सब कुछ मॉडर्न मेडिसिन का यूज़ हो रहा है, तो फिर वो मॉडर्न मेडिसिन की पढ़ाई क्यों नहीं करते? तो ये सरकार द्वारा एक शॉर्टकट है, उनको लगता है कि डॉक्टर्स की कमी और हम ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस नहीं खोल पा रहे हैं, ज़्यादा MBBS नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ये फौज है BMS ग्रेजुएट्स की, तो क्यों ना इन्हीं को मॉडर्न मेडिसिन पढ़ा दी जाए? तो बेसिकली जब आपका बेस, आपकी फाउंडेशन नहीं है, उन्होंने पढ़ा तो ग्रेजुएशन के अंदर BMS तक उन्होंने पढ़ा तो आयुर्वेद है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो सर्जरी कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयों के साथ, वो कैसा संभव है? अगर किसी चीज़ की एक फाउंडेशन ही सही नहीं होगी तो वो ऊपर उस पर बिल्डिंग इमारत कैसे बन पाएगी? क्योंकि MBBS बंदा एक 5 साल के लिए, पूरा 5.5 साल के लिए MBBS करता है, उसमें उसको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, सारी दवाइयों के जो गुण हैं, अवगुण हैं, उनके साइड इफेक्ट्स हैं, सब कुछ वो पढ़ते हैं अच्छी तरह से, उसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारे ह्यूमन शरीर की पढ़ाई जाती है, जो मॉडर्न मेडिसिन में पढ़ाई जाती है। उसके बाद जाके वो इंटर्नशिप करते हैं या एक साल ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसके बाद वो MS सर्जरी जाके करते हैं या MS ऑर्थोपेडिक, ENT, जितनी भी सर्जरी की ब्रांचेज हैं उसमें पारंगत होते हैं अगले 3 साल, फिर अगले 2-3 साल वो किसी और सीनियर डॉक्टर के नीचे ट्रेनिंग लेते हैं। इतने सारे लंबे वकवे को सिर्फ 3 साल में लपेट देना, ये एक शॉर्टकट है, और ऊपर से ऐसी मेडिसिन का यूज़ करना जिसके बारे में उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है। सब इसमें पेशेंट को क्या
लगेगा। जहाँ तक इनका कहना है, नीमा का कहना है कि मरीजों को बेहतर विकल्प मिलेगा, मरीजों को बेहतर इलाज हम दे पाएंगे, क्योंकि देहात तक या गांव तक ऐसे कुछ एरिया है जब देहात की बात सही है कि देहात में डॉक्टर्स की कमी है, बट इसका क्या ये मतलब है कि वहाँ आप एक अधपके डॉक्टर भेजेंगे, एक ऐसे डॉक्टर भेजेंगे जिनका बेस तो आयुर्वेद का लेकिन प्रैक्टिस मॉडर्न मेडिसिन की कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन नहीं है उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक पूरी तरह से एक प्रॉपर डॉक्टर की बजाय एक काम चलाओ डॉक्टर की तरह से भेज रहे हैं। बेहतर सेवा देने पर का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो उस लेवल की सर्जरी कर ही नहीं पाएंगे जिस लेवल की एक एमएस सर्जन कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास बरसों का एक्सपीरियंस है। आपके पास आप ना उन मेडिसिन को जानते ना उन औजारों को जानते जो मॉडर्न मेडिसिन के, आप उन्हीं के साथ उनका ट्रीट करने जा रहे हैं। देहात में पहुँचाने के लिए सरकार को चाहिए नए मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश करे और डॉक्टरों को कुछ प्रोत्साहन करे ताकि देहात में जाके वो सर्व कर सके। सर, कुल मिला के ये कहा जा सकता है सरकार जो है अपनी कमी छुपाने के लिए इन बीएमएस डॉक्टरों को यह परमिशन दे रही है? ये यस बिल्कुल यही है कि सरकार की कमी ये है कि सरकार उतने मेडिकल कॉलेजेस एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही, उतने डॉक्टर नहीं बना पा रही, और अगर बना पा रही है तो उनको उस हिसाब से प्रोत्साहन नहीं दे पा रही कि कोई जाके वहाँ पे काम कर सके। फॉर एग्जांपल, आप एक पीएससी या सीएससी में डॉक्टर चाहते हैं, लेकिन उसको सुविधा क्या है वहाँ पे? ना नर्सिंग स्टाफ है, ना एडिक्वेट उसके पास दवाई है। वो अगर किसी तरह वहाँ चले भी जाते हैं कि जन सेवा की भावना से, उसके पास लिखने तक को पेशेंट को उपचार करने के लिए तो कोई सुविधा है नहीं। कम से कम अच्छे सीएससी पीएससी बने जहाँ पे सारी की सारी सुविधा हो, जहाँ पे फिर डॉक्टरों को भी अच्छी सैलरी पे रखा जा सके ताकि वो टिक सके। नहीं तो आप देखिए, डॉक्टरों की छोड़ो, कौन ऐसा बंदा है जो शहर में रहता है जाके गांव में बसने को तैयार होगा, जहाँ उसको सुविधा का अभाव होगा और उसके बावजूद भी वहाँ वो काम करना चाहेगा? बहुत कम आपको लिखेंगे, बिरले लोग मिलेंगे। तो ये सबकी एक ह्यूमन टेंडेंसी है। आप तभी जाओगे जब आपको उसमें कुछ अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा, जिसमें आप अपने परिवार का भी पालन पोषण कर पाओगे और साथ में आपको वहाँ सुविधाएं भी मिलेगी, ताकि जो आपका जो जितना भी आपका फील्ड है उसको अच्छी तरह से आप टैकल कर सकोगे। आपके पास हर तरह की सुविधा होगी कि हाँ भाई, हार्ट का पेशेंट है, ये है, मेरे पास ईसीजी मशीन है, मैं इसकी ईसीजी करके देख सकता हूँ। वहाँ ईसीजी तक नहीं होगी तो वो करेगा क्या डॉक्टर वहाँ जाके? तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, सरकार को ये करना चाहिए, ना कि ये कि जी हमारे पास एक बने बनाए बीएमएस डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, चलो इनको थोड़ी मॉडर्न मेडिसिन पढ़ा देते हैं और ये कराते हैं, फिर एमबीबीएस करने का औचित्य क्या रहा? ये देश के स्टूडेंट्स के साथ भविष्य से खिलवाड़ है। आज की डेट में अगर आप नीट परीक्षा में देखो, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई बंदे जो टॉप 100, 1000, 10000 में है वो कोई बीएमएस उठा रहे हो। बीएमएस कौन लेता आज की डेट में? जिनको एमबीबीएस नहीं मिलती, उसके बाद जिनको बीडीएस नहीं मिलती, सबसे एंड में बीएमएस जाती है। क्यों? बिकॉज नेचुरल सी बात है कि आयुर्वेदिक का इतना आज की डेट में नहीं है। सब लोग एलोपैथी में ज़्यादा जाते हैं क्योंकि तुरंत प्रभाव मिलते हैं। आयुर्वेदिक लंबी पत्ती है, लंबी बीमारियों में कारगर है, हम मानते हैं, लेकिन आज की डेट में अगर आप सोचो, जनता भी सोचेगी, वो अपने बच्चे को क्या बीएमएस बनाना चाहते हैं कि एमबीबीएस? तो बेसिकली ये बीएमएस के लिए एक बैकडोर एंट्री कर दी गई है कि आप एमबीबीएस नहीं बन सके, कोई नहीं, हम आपको इधर से पढ़ाई कराते हैं, आपको एमबीबीएस से ऊपर सीधा से। हाँ जी, आज इसलिए सरकार को ज्ञापन देने के लिए इसी बारे में कि आप मिक्सिंग मत करो, आप आयुर्वेद को बढ़ावा दो। हम आयुर्वेद के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, कई ऐसे बीमारियों के हल हैं जिनके शायद एलोपैथी के पास नहीं है, जैसे लंबी बीमारियां हैं, दमा है और वो सब चीज़ें हैं, कई चीज़ों के आयुर्वेद में इलाज हैं, तो उनके ऊपर फोकस करो, आयुर्वेद को और बढ़ावा दो, उनके ऊपर रिसर्च करो और बढ़ावा दो, ना कि हाफ बेक डॉक्टर्स करें कि दो चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करें। ये थे हमारे साथ करनाल आईएमए यूनिट के पूर्व प्रधान डॉक्टर गगन कौशल, जिन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि इस कानून के क्या फायदे होंगे और क्या नुकसान होंगे। इन्होंने यह तर्क दिया है कि सरकार ये आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, सरकार को चाहिए कि वो आयुर्वेद को बढ़ावा दे, उनके अनुसंधान को बढ़ावा दे, उनके बजट को एलोकेट करे, ताकि वो अपनी पद्धति से ही दूसरों को इलाज कर सके, ना कि दो पद्धतियों को मिलाकर सरकार ने जो खिचड़ी बनाने का काम किया है वो इसका विरोध करते हैं। इससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाएगा। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.